फेयर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो A5 एंड A9 2020 डिवाइस में कलर ऑफ 7.1 का न्यू अपडेट 3.75 सेकंड मंथ 2021 में कौन सा अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से। एंड इसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे ओप्पो A5 एंड A9 2020 डिवाइस में एंड्रॉइड 11 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एजुमेनो, जैसा कि आपको पता होगा हमारा डिवाइस अभी भी फरवरी 2021 के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में अपडेटेड है, जिसमें हमें 3.74 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है। इंडिफी के साथ ही साथ अभी भी हमें काफी सारे कमेंट देखने को मिलते हैं कि भैया अभी भी हमारे डिवाइस में 3.74 का अपडेट नहीं मिला। अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट नहीं मिला तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो, वहां पे आपका फोन तुरंत से अपडेट करवा दिया जाएगा कलर ओएस 7.1 के न्यू अपडेट 3.74 में। एंड उसी के साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज वहां पे अप्रॉक्स 3000 यूजर एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से फोन में कौन सा अपडेट देखने को मिल रहा है एंड वहाँ पे आप अपने फोन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वही पे बात की जाए हमारे डिवाइस में 3.75 का अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से, सेकंड मंथ 2021 में कौन सा अपडेट हमारे डिवाइस में देखने को मिलेगा, तो भैया आपके डिवाइस में सेकंड मंथ 2021 में कोई सा भी अपडेट प्रोवाइड नहीं होगा, बिकॉज ओप्पो A5 एंड A9 2020 बोथ डिवाइसेस को लॉन्च हुए विद इन 1 ईयर क्राफ्ट कर रहे। एंड यहाँ पे कलर ओएस का जो फंडा होता है ना, जो भी स्मार्टफोन अपने लॉन्च डेट से 1 साल पुराने हो जाते हैं उन सभी स्मार्टफोन में बाई मंथली अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से। मतलब आपका फोन 1 साल से पुराना हो चुका है, देन आपके फोन में बाई मंथली अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपके डिवाइस में जनवरी 2021 के लास्ट वीक में फरवरी 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड हो गया, अगर आपके डिवाइस में अपडेट नहीं मिला तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं। बट उसी के साथ ही साथ भी अपडेट तो आउट हो गया, आपके डिवाइस में मिला या फिर नहीं मिला वो मायने नहीं रखता। एंड उसी के साथ ही साथ हम बात करें हमारे डिवाइस में 3.75 का अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से, तो भैया ये अपडेट आपके डिवाइस में मार्च 2021 के लास्ट वीक में प्रोवाइड होगा। एंड इस अपडेट के साथ में आपको अप्रैल 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। एंड उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें एंड्रॉइड 11 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट रोल आउट डेट के बारे में, देन एज यू मे नो जैसा कि आपको पता होगा ओप्पो के कलर ओएस ऑफिशियल शेड्यूल में हमें क्वार्टर सेकंड में ओप्पो A5 एंड A9 2020 डिवाइस का नेम मेंशन किया हुआ देखने को मिलता है। देन वहीं पे अभी भी कोई भी मंथ कंफर्म नहीं है, बट यहां पे अप्रैल 2021 में आपको ये अपडेट प्रोवाइड हो सकता है, कलर ओएस 11.1 का आपके डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का डायरेक्ट बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। एंड फिर उसके बाद ये अपडेट आपको स्टेबल मिलेगा जून 2021 में। बट अगर आप अपने फोन के साथ में एक्टिव रहते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में एक्टिव रहते हैं तो ये कंफर्म है कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 11 के फर्स्ट बैच बीटा अपडेट के साथ में ही कलर ओएस 11.1 का बीटा अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि यार वहां पे काफी सारे यूजर एक्टिव रहते हैं तो वहां पे आपको कंफर्म है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आप अपने फोन के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर के बीटा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीटा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके डिवाइस में अंडर रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर आपके फॉर्म को अप्रूव्ड या फिर पास्ड किया जाएगा ओप्पो इंडिया की तरफ से। फिर आपके डिवाइस में पास्ड या फिर अप्रूव्ड होने के बाद विद इन 3 डेज के पहले पहले कलर ओएस 11.1 का बीटा अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ओप्पो की तरफ से। देन दैट्स इट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो चली वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।